हेलो स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट के लिए मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था कंप्यूटर ए मशीन। ये चैप्टर मैंने आपको पढ़ाए थे, कंप्यूटर ए मशीन चैप्टर फर्स्ट था। अभी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ लेट्स गेट फैमिलियर विथ कंप्यूटर। अब हम कंप्यूटर से और ज़्यादा उसके करीब, उससे मतलब फैमिलियर होंगे, उससे रिलेटेड होंगे, उससे करीब जाएंगे, है ना। चलिए अब कंप्यूटर के बारे में और नज़दीकी से जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, कहता है यहाँ पर एक कंप्यूटर डेस्कटॉप बनाया हुआ है, ठीक है, जो आपके स्कूल के कंप्यूटर रूम में है, ठीक है। इसके बारे में बहुत सारे फीचर्स लिखे हुए हैं, ठीक है, मतलब ये क्या क्या कर सकता है वो देखें। कंप्यूटर के फीचर्स होते हैं, क्वालिटी होते हैं, हर चीज़ की अपनी एक क्वालिटी होती है, उसके स्पेशलिटीज़ होती है, वो देखिए। आई वर्क वेरी फास्ट, ये सारी बातें कंप्यूटर के लिए हैं कि कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है। तो आई वर्क वेरी फास्ट, कंप्यूटर बहुत तेज़ी से काम करता है। आई कैन डू मैनी थिंग एट ए टाइम, एक ही बार में बहुत सारी काम कंप्यूटर पर किया जा सकता है, जैसे कि मूवी देखना, साथ ही साथ टाइप करना, है ना, या मैसेज देखना, मैसेज सेंड करना, ईमेल करना, ये सारी चीज़ें एक ही बार में कंप्यूटर पर किया जा सकता है। आई रिमेम्बर मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों को ये क्या करता है, रिमेम्बर करके रखता है, याद करके रखता है ना, इंस्टॉल करके रखता है। आई नेवर मेक एनी मिस्टेक, कंप्यूटर कभी मिस्टेक नहीं करता है। आई नेवर गेट टायर्ड, और ये कभी थकता ही नहीं, क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है तो थकेगा ही नहीं, ठीक है, तो ये कभी थकता नहीं है। आई कैन स्टोर मैनी थिंग्स, बहुत सारी डाटा इसमें स्टोर कर सक रख सकते हैं, वीडियो, मूवी, आप अपने ऑफिस से रिलेटेड जहाँ जो चाहे सो पिक्चर, है ना, बहुत सारी चीज़ें इसमें स्टोर कर से रख सकते हैं, गेम वगैरह सब चीज़। आई कैन डू कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन भी करता है, ये आपको डायरेक्टली कैलकुलेट करके कोई भी अरिथमेटिक कैलकुलेशन हो या किस तरह की कैलकुलेशन हो ये आपको बता देगा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज मैंने टर्न किया, ये पेज में करना है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर जनरली जो है हम लोग, ये कंप्यूटर तीन टाइप्स के होते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप। ये दोनों आपने देखा होगा, ये बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन ये जनरली यही दोनों देखने को मिलता है। ये डेस्कटॉप होता है जो आपके स्कूल के लाइब्रेरी में है, ये भी आपने देखा होगा स्कूल में है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको मतलब कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में आते हैं। उसके बाद व्हाट कैन यू डू ऑन कंप्यूटर, कंप्यूटर पर आप क्या क्या कर सकते हैं, ये मेन चीज़ है। तो लिसन टू सॉन्ग, म्यूजिक सुनना, गाने सुनना, है ना, प्ले गेम्स, ठीक है, गेम खेलना, ये कंप्यूटर पर हो सकते हैं। डू कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या अदर टाइप के भी कैलकुलेशन कंप्यूटर पर कर सकते हैं। वॉच मूवी, मूवी देखना, पिक्चर देखना, ठीक है। ड्राइंग एंड पेंटिंग, ड्राइंग एंड पेंटिंग आप लोग करते ही होंगे, किए होंगे, या मतलब थोड़े बहुत करने के लिए बताए जाते हैं, ये आप कंप्यूटर पर कर सकते हैं। सेंडिंग ईमेल एंड चैटिंग विथ फ्रेंड्स, ईमेल सेंड करना, एक तरह का मैसेज सेंड करना, और फ्रेंड्स से चैट कर सकते हैं, जैसे कि आजकल हम लोग फेसबुक, व्हाट्सअप, ये सब सुनते होंगे, उस पर चैटिंग होता है, तो उस तरह से आप कंप्यूटर के जरिए भी चैट कर सकते हैं। पेज मैं टर्न कर रहा हूँ, ठीक है। प्लेसेज वेयर कंप्यूटर आर यूज, कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज होता है, देखे होंगे एट होम, घर में, बहुत सारे घरों में कंप्यूटर देखने को मिलता है। जो इसको प्रेफर कर सकते हैं, जो मतलब सक्षम है, जिनको ज़रूरी है, या जिनके जो मतलब ख़रीदने में सक्षम है, एबल है, वे कंप्यूटर घर में भी रखते हैं। इन शॉप एंड मॉल, मॉल और शॉप में तो आप बिल्कुल देखे होंगे, बिल बनाने के काम में बेसिकली कंप्यूटर का यूज़ होता है। इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में भी होता है, बहुत सारे जगह जो बड़े बड़े लाइब्रेरी हैं, है ना, गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट, वहाँ पर कंप्यूटर का यूज़ होता है। इन स्कूल, स्कूल में तो आपने देखा ही होगा कंप्यूटर पढ़ाने के लिए, कंप्यूटर का लैब में कंप्यूटर का यूज़ होता है। इन होटल्स एंड रिसोर्ट, होटल वगैरह में भी कंप्यूटर से मतलब कि बिलिंग वगैरह या और भी डेटा वगैरह के लिए कंप्यूटर का यूज़ होता है। ऑफिस में कंप्यूटर का यूज़ होता है, बैंक में कंप्यूटर का यूज होता है। ये स्क्रीन एटीएम में देखे होंगे, ये जस्ट लाइक कंप्यूटर नहीं होता, बट ये सारे फंक्शन कंप्यूटर के जरिए ही काम करते हैं, ठीक है। आप बैंक में काउंटर पर जरूर देखे होंगे कि कंप्यूटर पर यूज़ होता है, ठीक है। एयरपोर्ट पे कंप्यूटर का यूज़ होता है, ठीक है। इसके बाद रेलवे स्टेशन पर देखे होंगे, टिकट जो काटा जाता है, यानी टिकट जो आपको कलेक्ट करके काट के देते हैं, वो टिकट जो पंच करके देते हैं, प्रिंट करके देते हैं, वो सारे फंक्शन जो है कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं। हॉस्पिटल्स में भी देखे होंगे कंप्यूटर आप, ठीक है। उसके बाद डिज़ाइनिंग कार एंड बाइक्स, इसका डिज़ाइनिंग वगैरह में कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। इंजीनियरिंग लाइन्स में कंप्यूटर के यूज़ होते हैं,
उसका डिज़ाइनिंग, ड्रेसेस ड्रेसेस वगैरह के डिज़ाइन करने के लिए भी कंप्यूटर के यूज होते हैं। ये सारी चीज़ें जो थी ये सेकेंड चैप्टर से थी। आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आपको करने भी हैं। क्वेश्चन यहाँ है, एक बार समझ लेंगे क्वेश्चन को। राइट एनी थ्री यूजेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का कोई तीन यूज़ बताएंगे, कंप्यूटर का क्या क्या यूज़ है, जैसे म्यूजिक सुनना, मूवी देखना, डिज़ाइनिंग करना, है ना, एयरपोर्ट पे, रेलवे और मूवी देखना, ठीक है, उसके बाद गेम खेलना, ये सब, ठीक है। उसके राइट द नेम ऑफ एनी थ्री प्लेस, तीन जगह का नाम बताना है जहाँ कंप्यूटर यूज होता है, जैसे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, स्कूल, हॉस्पिटल, बैंक, ये, ठीक है। और उसके बाद हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेम देम, और कितने तरह के कंप्यूटर होते हैं उनके नाम लिखने हैं, जैसे कि डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको लिखने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, देख लीजिए एक बार फिर से, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बुक से, ये तो इनसाइट था, उसके बाद मैं आपको बुक के क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स बताऊँगा। थैंक यू।